गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि ये संडे क्या है हर संडे को हमारे क्विज होती है तो चलिए बच्चों क्विज़ के लिए रेडी हैं ना आप सब चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच इज द लैंड लॉक्ड सी इन चारों में से लैंड लॉक सी कौन सा है तो बच्चों आंसर क्या है आंसर है एरल सी क्योंकि इसमें जो सेलिनिटी होती है सेलिनिटी मतलब होता है बच्चों सेलिनिटी होता है मतलब खारापन तो जो उसके अंदर खारापन होता है लैंडलॉक सी में बहुत ज़्यादा होता है जो टेम्परेचर होता है इस सी का वो भी हाइयर होता है ओपन सी से तो एरल सी क्या है एक लैंडलॉक सी है अब है गोबर गैस के अंदर मेनली कौन सा कंटेंट होता है तो बच्चों जो गोबर बायो गैस हो उसको बायोगैस भी बोला जाता है उसके अंदर इनमें से कौन सा कंटेंट है मिथेन इथेन ब्यूटेन और प्रोपेन तो आंसर क्या है मिथेन जो बायोगैस है वो क्या है मिक्सचर है गैसेस का जो कि कब प्रोड्यूस होता है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और जब ऐसी प्रोसेस होती है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनरोपिक प्राइमरीली इसके अंदर क्या होता है मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैसेस होती हैं मिथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीडाइज हो सकती हैं थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन आपको पता होना चाहिए पहला कि इंसुलिन क्या होता है इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है ऑप्शनस है पेनक्रियाज थायरॉय एडर्नल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड तो बच्चों आंसर है इसका पेनक्रियाज जो पेनक्रियाज़ है सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है वह है इंसुलिन और जो इंसुलिन है वो रिलीज़ होता है पेनक्रियाज़ के बीटा सेल से इसका मेन काम क्या है कि शुगर लेवल के मतलब जो ग्लूकोज लेवल है उनको कम करना नेक्स्ट है बच्चों विच इज़ द वार्म ओशन करेंट वार्म ओशन करंट इनमें से है चार ऑप्शन है लेविडर करंट ओशियो करंट कैनरी करेंट और गल्फ स्ट्रीम सो द आंसर इज मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि गूगल पे आंसर टाइप करके इसका आंसर सर्च करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए जो इतना ही आंसर आता है जो भी सही आंसर है प्लीज उसके हिसाब से ही अपने स्कोर को कमेंट कीजिए ओके देखते हैं आंसर है गल्फ स्ट्रीम जो फॉर्म मोशन करेंट है द फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन बेसिन द गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ एटलांटिक एंड द कुरशो करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वॉम करेंट्स

सिंस टू थाउजेंड नाइन फॉलोड बाई कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इन द सेकेंड एंड थर्ड प्लेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर ओरिजिनेट्स एज अमरकंटक अमरकंटक से कौन सी रिवर आती है बच्चे ऑप्शन है महानदी गोदावरी नर्मदा और कृष्णा तो आंसर है आपका आंसर है नर्मदा जो अमरकंटक रीजन है एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज है और ये मीटिंग पॉइंट है विंध्या और सतपुरा रेंजेस का विद मैकल हिल्स बीइंग द क्रम ये वो एरिया जहाँ पे नर्मदा रिवर जो सन है द सन रिवर एंड द छोला रिवर ये क्या होती है इमर्ज होती है बच्चों सेवन क्वेश्चन पे आ गए हैं अपने स्कोर काउंट करते रहिएगा और प्लीज़ गूगल से आंसर मत देखिएगा ओके ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड वाले जो पार्ट हैं सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड कहाँ पर होते हैं स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं बच्चों स्वेट ग्लैंड होते हैं जहाँ से पसीना आता है फॉर हेड फॉर हार्म बैक और पाम ऑफ द हैंड तो आंसर क्या है बच्चों आंसर है हमारा पाम ऑफ द हैंड आप सब जानते थे कि आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा स्वेट क्लैंड होते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली टू से टू टू फोर मिलियन स्वेट क्लैंड फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट नेल्स ईयरस एंड लिप्स नेल्स ईयर और लिप्स में आपके स्वेट स्वेटलैंड नहीं होते हैं the most concentrated area of sediment is on the bottom on our feet while the least concentrated is on our back next question is protein are made up of protein jo hai wo kis cheez ke bane hote hai bachcho sugar amino acid fatty acids or nucleic acid शायद ये question starting के कुछ quizzes में हमारा हो चुका है तो अगर आपको उस time answer नहीं है तो इस टाइम देखिएगा

कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन ए विटामिन बी टू डी और सी तो बताइए इन सब में होता है विटामिन डी ओके देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कोइज इज हार्ट इज मेड अप ऑफ़ जो आपका दिल है वो कौन सी मसल से बना होता है नॉन स्ट्रेटेड एडिपोस्ट्रेटेड ओके द आंसर इज कार्डिय मसल आप बच्चों ध्यान कर लीजिए जहाँ पे भी कार्डियो वर्ड आया और डेट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट बिकॉज वो जो कार्डियक वर्ड है वो इसलिए है कि आपके जो हार्ट की मसल्स हैं वो कार्ड आ, वो कार्डियक मसल्स से बनी होती है ओके okay बच्चों और आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो दिल का डॉक्टर होता है तो कार्डियो वर्ड वहाँ पे आया तो कार्डियो का मतलब क्या हुआ इट इज रिलेटेड टू हार्ट कहीं पे भी कार्डियो वर्ड दिखे आपने सुनागा कार्डियो एक्सरसाइज का नीचे मीन्स ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट ओके okay? तो कार्डियो वर्ड पे ध्यान दीजिए कार्डियो वर्क कहीं पे भी आए तो मतलब इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट सो हार्ट डिस फंक्शन इज पम्पिंग ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी एडिशनली दर्ट इज लार्जली मेड अप ऑफ अ मसल टिश्यू विच इज कॉल्ड कार्डिय मसल सो बच्चो वट इज़ योर फानस को लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन एंड ओके द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट क्वेज इज एंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी डायजेसन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट बॉडी के किस पार्ट में हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है एंड द ला आंसर ऑफ द लास्ट टाइम क्वेज क्वेश्चन लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन द वल्ड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द यूनाइटेड स्टेट कैनेडा बॉर्डर इट हैज़ द ग्रेटर सरफेस ऑफ थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्क्वायर्स स्माइल और इस चीज़ का आंसर भी कई बच्चों ने दिया था क्लास सेवन के गवर्नमेंट को एड रामपुरा स्कूल के कई बच्चे हैं आई थिंक महक रूपाली भारती इन सब बच्चों ने सही आंसर दिया है बाकी आप बच्चे भी जो आज का को क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके नाम भी अनाउंस होंगे और थैंक यू सो मच हो बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट संडे ने फिर से मिलेंगे थैंक यू